हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टेक्निकल दादा। एक और वीडियो लेके आया हूं आपके सामने, और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग रेडमी 5A की। जी हाँ दोस्तों, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था रेडमी 5A, और जो मुझे रिसीव हो चुका है, तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं करने वाला हूँ MI 5A की अनबॉक्सिंग। जो मुझे रिसीव हुआ है फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट पे फ्लैश सेल था 14 जून को, और जो मुझे रिसीव हुआ है 15 जून को। जी दोस्तों, खास बात यह है कि मुझे वन डे डिलीवरी मिली है, इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। और ये इस तरह का पैकेजिंग है, बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग। ये ऊपर बबल्स है जो बॉक्स को सपोर्ट के लिए रहते हैं, तो उसको पहले रिमूव कर देते हैं हम लोग। जी हाँ दोस्तों, ये है मेरा 5A का पैकेज, और ऊपर लिखा हुआ इंडिया नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड। बिल्कुल कह सकते हैं कि ये नंबर वन ब्रांड है, क्योंकि जो इंडिया का पूरा स्मार्टफोन का मार्केट है, सारा Xiaomi द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बॉक्स के और कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यहाँ पे लिखा Redmi 5A, और इस तरफ यहाँ पे एक छोटी सी वार्निंग है कि डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन। अगर सील यहाँ पे टूटा हुआ है तो हमें इसे एक्सेप्ट नहीं करना है। और कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम। जो मेरा फ़ोन है वो गोल्ड में है, 2GB की रैम रहेगी, 16GB का इंटरनल मेमोरी है। कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 425 क्वाड कोर प्रोसेसर है, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 इंच का मेरा HD डिस्प्ले रहेगा। डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अदर्स MI फ़ोन के अंदर वहीं पे आपको सिम कार्ड भी इंसर्ट करना है और माइक्रो SD भी वहीं पे, तो एक साथ आप या तो सिम यूज़ कर सकते हैं, या तो एक सिम कार्ड और एक माइक्रो SD यूज़ कर सकते हैं। 3000 mAh की बैटरी है, तो इस प्राइस में तो मुझे लगता है कि वर्थ ही है। और यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। 1 USB केबल, यूज़र गाइड, 1 वारंटी कार्ड, 1 सिम कार्ड, इजेक्ट टूल भी है। अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है 6499, बट मुझे ये फ़ोन मिला है 5999 में। तो चलिए दोस्तों, बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, निकाल लिया है मैंने फ़ोन को पैकेज से बाहर, और यहाँ पे कुछ पेपर वर्क है, फ़ोन के स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, इनको बाद में देखेंगे। ये मुझे लग रहा है वारंटी कार्ड है, और ये है अपना USB केबल फॉर चार्जिंग पर्पज़, और इसको आप PC में कनेक्ट करके आपका डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये है मेरा चार्जिंग अडेप्टर, दैट इज़ 5V 1 Ampere आउटपुट, और यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। और ये है एक सिम इजेक्टर टूल, जी हाँ, इससे आप क्या कर सकते हैं, सिम को इजेक्ट कर सकते हैं, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो ये है मेरा फ़ोन, 5 इंच की डिस्प्ले, HD डिस्प्ले है, वो तो हम देखेंगे उसको ऑन करने के बाद। गोल्ड कलर है, काफ़ी अच्छा मेटल। यहाँ पर कैमरा फ्लैश लाइट दी हुई है, यहाँ पर 3 टैपिंग बटन्स है, और एक फ्रंट कैमरा है। यहाँ पे 3.5mm का जैक माइक दिया हुआ है, और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है हमारा। तो चलिए दोस्तों, फ़ोन को ऑन कर लेते हैं, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, और ये आपका सिम स्लॉट है। तो दोस्तों, कर लिया है मैंने फ़ोन को सेट, और फटाफट हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में चेक करते हैं अबाउट फ़ोन में मेरा मॉडल नंबर है Redmi 5A, एंड्रॉयड वर्जन है 4.1.2, फिर बाकी CPU है मेरा क्वाड कोर 1.40 GHz, रैम है मेरी 2GB की, इंटरनल स्टोरेज है मेरा 8GB अवेलेबल है, और बाकी और भी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। सिस्टम अपडेट पे मुझे कुछ नोटिफिकेशन सा दिख रहा है, और इसका एक अपडेट आया हुआ है जो मैं बाद में अपडेट कर लूँगा। और फिर चलते हैं हम स्टोरेज की तरफ। इसका स्टोरेज आप देखिए, 8GB मेरा अवेलेबल है, और भी कुछ सिस्टम ऐप्स है। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात मुझे दोस्तों क्या पसंद आती है रेडमी की, कि अभी अभी जो उसके फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें वो ड्यूअल ऐप, यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूअल ऐप का एक फंक्शन दे रखा है, जिसमें क्या होता है कि अगर आप
इस ड्यूअल ऐप की मदद से यू कैन क्रिएट रिप्लिका, आप कोई भी ऐप की एक रिप्लिका क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप दो आईडी से यूज़ कर सकते हैं सेम फ़ोन में। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, दो अगर व्हाट्सअप है आपका और आप दो व्हाट्सअप एक ही फ़ोन में चलाना चाहते हैं दो अलग अलग नंबर से, तो आप ये ड्यूअल ऐप का यूज़ करके उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, दो व्हाट्सअप इन वन फ़ोन। और इसके लिए मैं एक आगे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, इस तरह से आप जैसे कि मैंने यहाँ पे टैप किया तो यहाँ पे क्रिएटिंग ड्यूअल ऐप, यहाँ पे ड्यूअल ऐप वो क्रिएट कर लेता है। तो उसको बाद में देखेंगे, कैमरा क्वालिटी पे हम चले जाते हैं। पहले तो रियर कैमरा है मेरा 13 मेगापिक्सल का। कुछ इमेजेस मैं क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैंने ये क्लिक किया है और इसे जूम करके दिखाता हूँ, तो ये 13 मेगापिक्सल का इस तरह के कैमरा क्वालिटी है यहाँ पे। और कुछ दूर की फ़ोटोज़ भी मैं लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों और भी कई यूज़फुल ऐप्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं एमआई रिमोट, इस ऐप का यूज़ करके आप अपना टीवी, अपना डीटीएच, अपना एसी इसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पर एमआई स्टोर है, यहाँ से आपको अगर कुछ एसेसरीज वगैरह मंगवानी है या फ़ोन को आपको यहीं से ऑर्डर करना है एमआई, तो आप उसे इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एमआई के कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हैं, यहाँ से आप उसके एसेसरीज और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं एमआई के, आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पर एमआई कम्युनिटी का ही ऐप है, वो भी आप लॉगिन कर सकते हो। म्यूज़िक ऐप है, तो दोस्तों ये थे कुछ स्पेसिफिकेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बाकी तो आप फ़ोन ऑर्डर करके अगर आपको चाहिए तो आप आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जो दोस्तों ये मेरा छोटा सा अनबॉक्सिंग का वीडियो था, अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी मैं बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। तो टेक्निकल ताज फैमिली का हिस्सा बनिए। बाय बाय एंड टेक केयर।